अभी हम राजस्थान के सिरोही में हैं और सिरोही पर कुछ ये चौक चौराहा है, तो इच्छा हुई कि जानने का कि कैसा माहौल है राजस्थान में। अब ये फल वाले हैं, कैसा माहौल चल रहा है राजस्थान में? माहौल बढ़िया चल रहा है। सरकार वापस हो रही है अशोक गहलोत जी की या? सरकार में तो नहीं कह सकते, बाकी यहाँ माहौल दोनों टक्कर है, दोनों टक्कर है। और ये लोग कह रहे हैं कि लोग राजस्थान को लेकर के सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। हाँ ये तो है, है ना? क्या अब बहुत जगह सुनाइए कि योगी की तरह लोग बदलाव चाह रहे हैं राजस्थान में, ऐसा है? चाह रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हाँ, वो जैसे योगी ने अच्छा किया ना, तो यहाँ पे भी वो लोग चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे बदलाव हो। आप भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शुभ नाम? पहले नाम बताइए। भवानी सिंह। हाँ जी, भवानी सिंह। भवानी सिंह जी, क्या क्या माहौल है भवानी सिंह जी? बस मतलब माहौल तो दोनों की टक्कर चल रही है, तो दोनों का माहौल गर्मा गर्मी है। अच्छा अच्छा, और हम बदलाव चाहते हैं, थोड़ा बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि सरकार थोड़ी चेंज हो, यूपी में जैसा हुआ वैसा यहाँ पर राजस्थान में भी हो तो अच्छा लगेगा। यूपी में क्या अच्छा लग रहा है? यूपी में जैसे योगी की सरकार हुई, मतलब योगी जैसा प्रशासक ही चाहिए। तो कोई है आपके स्टेट में जो योगी जैसा हो? वैसा तो कोई अभी दिखा नहीं पाता जी। क्या कारण थे वो बोलो। योगी जैसा कौन है? कोई बालकनाथ की बात कर रहे हैं कुछ लोग, नाम तो सुनने में आया बालकनाथ जी का। हाँ हाँ, अच्छा वसुंधरा जी का क्या चल रहा है? जी वसुंधरा जी का क्या चल रहा है? वसुंधरा जी तो वैसे के वैसे ही है, पहले थे जैसे ही। अच्छा अच्छा, नहीं राजस्थानियों ने पिछली बार जो कहा कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो एकदम सिलसिला अभी भी चल रहा है क्या? चल रहा है। मतलब वसुंधरा अभी भी स्वीकार नहीं है राजस्थानियों को? वो कम है अभी, पहले जैसे। जी आप कुछ कह रहे थे? यही। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद भाई नाम है। क्या कह रहे हैं आप? आप यहाँ पर सचमुच यहाँ पर यूपी की तरह बदलाव चाहिए क्या? यूपी जैसा? यूपी जैसा ही चाहिए वसुंधरा राजे? नहीं, वसुंधरा जी का ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, इतना नहीं है जितना मतलब बीजेपी चाहिए, लेकिन योगी जैसा चाहिए। योगी जैसा चाहिए आदमी और मोदी जैसा चाहिए आदमी। तो सिर्फ बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी में योगी और बीजेपी चाहिए। हाँ, लेकिन योगी जैसा और मोदी जैसा आदमी चाहिए। अच्छा अच्छा, वसुंधरा जैसी नहीं चाहिए? खैर वसुंधरा जी भी ठीक है, लेकिन वो इतने वो दमदार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये कुछ बोलेंगे आप लोग? आपके स्टेट में चुनाव है, कुछ तो बताइए। हाँ कुछ तो बताइए, चलो आप बताओ। वोटर हो आप? फर्स्ट टाइम वोटर होगी ना? हाँ बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग राजस्थान में? कैसा बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं बताओ बताओ। कुछ बोलेंगे? चुनाव आ रहा है आपके राज्य में, बताइए बताइए। क्या राज्य में बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं आप? युवा पहली बार वोट डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? विकास हो। विकास हो तो विकास ये सरकार नहीं कर रही है, कुछ करती है कुछ नहीं करती है। कुछ करती है कुछ नहीं करती। तो क्या कैसा चाहिए प्रशासन? कैसा चाहिए? यूपी जैसा चाहिए? कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदू राष्ट्र बनाना है वो वाला से। अच्छा अच्छा, योगी जैसा ही चाहिए। चौक चौराहा जी बताइए। हम तो भीनमाल से सर। कहाँ से? भीनमाल। भीनमाल, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो क्या चाहते हैं, हम तो जो एजुकेशन वाला कैंडिडेट हो उसको वोट देना चाहिए। अच्छा अच्छा, सातवीं पास आठवीं पास वो कोई काम का नहीं है, कोई एजुकेशन वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी है। हाँ तो वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर जो है आरोप है तो आरोप तो सिद्ध तो हुए नहीं है हाल। हाँ तो फिर क्या है, सब जगह सभी के ऊपर आरोप तो लगते हैं। तो कौन पढ़ा लिखा नहीं है आपके हिसाब से? वो कौन? ओटाराम जी कहाँ पढ़े लिखे हुए? हमारे यहाँ पूरा राम जी कहाँ पढ़े लिखे हुए? छठी पास या दसवीं पास के सर्टिफिकेट ला दिए उसने, क्या कोई पढ़े लिखे नहीं है राजस्थान में भी? हाँ तो राजस्थान में क्या आप लोग बदलाव चाह रहे हैं यार? बदलाव तो चाहते हैं, बदलाव तो इसलिए चाहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी होना चाहिए बस। जी क्या कह रहे, इधर आइए इस तरफ। हाँ जी, ने बता दिया मेरा बोलने की क्या जरूरत। अरे नहीं, कैसे नहीं, आपका अपना अलग वोट है। अभी देखिए हमारा वोट तो यही है, बदलाव तो होगा ही है, होने वाला ही है, हो जाएगा। तो क्या मतलब बदलाव में क्या बीजेपी चाहिए? तो बीजेपी है, वसुंधरा जी पर है, वो ही आएगी। अच्छा वसुंधरा आएगी, लोग कह रहे हैं कि नहीं वसुंधरा को थमते, उनकी ही लहर है। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी की लहर है, उनकी ही लहर है। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो बस यही है।
और 100% वसुंधरा जी है। कुछ कह रहे हैं आप? योगी के जैसे ही मतदाता चाहिए अपने को, देश के अंदर चाहिए बदलाव। हाँ। मोदी को लाओ बार बार और योगी को लाओ बार बार। मतलब राजस्थान कहाँ से योगी लाएगा? राजस्थान में तो योगी है जैसा खड़ा करो बालकनाथ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो है बालकनाथ लाओ आगे। वसुंधरा नहीं चाहिए? वसुंधरा नहीं चाहिए, वसुंधरा नहीं चाहिए, वसुंधरा नहीं चाहिए। आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग महिला हैं? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। अच्छा, यहाँ की महिलाओं को लग रहा है सुरक्षा नहीं है ना, इसीलिए मोदी चाहिए। मोदी सही है हमारे तो। और वसुंधरा नहीं, मोदी चाहिए। ये तो गजब है। मतलब लोगों को तो ये पिछली बार जो गलती हुई है एक बार कि मोदी क्या, लोगों ने कहा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तो उससे बैर नहीं, तो ये माहौल बना ही हुआ अभी भी बना हुआ है, बना हुआ। योगी ही चाहिए, योगी योगी ही चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, आ जाओ। हाँ बताइए, क्या बताऊँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए आपके राज्य में या फिर यही सरकार चाहिए? जो सरकार चल रही है वही चाहिए, और जो विधायक है यहाँ का श्रेय का वही चाहिए, क्योंकि विकास बोलता है। अच्छा, विकास हुआ है? कुछ भी हो, कोई भी सरकार हो, विकास नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। विकास सर्वप्रथम विकास होना चाहिए। यहाँ हो रहा विकास? विकास फुल फ्लैश में विकास है, गांव गांव तक विकास है। मेरे काम में खुद 3 रोड बनाए बड़े बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़ों का बनाए। विकास तो नंबर वन है, विकास नंबर वन है। हाँ जी, क्या चुनाव है आपके यहाँ? क्या माहौल है? बीजेपी आने वाला, बीजेपी आने वाला है, कांग्रेस आने वाला ही नहीं है। कांग्रेस नहीं आने वाला है? क्यों? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं 10 साल पहले आगे गई। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, बीजेपी का देखना है तो गुजरात में आइए। हाँ, गुजरात का मॉडल देखिए, गुजरात का मॉडल। हाँ। देखिए, हम तो अभी घूम रहे हैं राजस्थान में, देख रहे हैं राजस्थान में खाली गुजरात नंबर की गाड़ियाँ चल रही है, गुजरात नंबर की गाड़ियाँ चल रही है। गुजरात के भरोसे राजस्थान चल रहा है। गुजरात, हाँ ये कुछ करना चाहेंगे? जी जी जी, कहाँ से आप? ये गुजरात नंबर की गाड़ी है क्या? गुजरात नंबर की, बल्लूक में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि गुजरात नंबर की गाड़ियाँ खूब चल रही है, मतलब actually, लग रहा है कि यहाँ की इकोनॉमी गुजरात संभाल रहा है क्या? एक्चुअली यहाँ से माइग्रेट बहुत है लोग। अच्छा अच्छा, एक्चुअली रोज क्या कि पानी की थोड़ी कमी वगैरह है ना, तो यहाँ खेती में। अच्छा, आप लोग बेसिकली रहने वाले गुजरात राजस्थान के ही हैं? अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग राजस्थान में? हम राजस्थान में चाहते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्या उनका समाधान होना चाहिए, गुजरात जैसा होना चाहिए। हमारे पीछे जो भाई लोग हैं उनको प्लान ना करना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर थोड़ा आ जाइए। हाँ थोड़ा सा साइड में, थोड़ा साइड बस से। तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपका राजस्थान में भी गुजरात मॉडल हो, है ना? मतलब आप लोग धंधा पानी गुजरात में करते हैं लेकिन बेसिकली रहने वाले यहीं से, पढ़ाई वगैरह हमारी सब यहीं हुई है, यहीं से हुई है। तो आप लोग चाहते हैं गुजरात जैसा ही राजस्थान? हम एकदम तो हम गुजरात जैसा बना नहीं सकते, पर धीरे धीरे इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा कोशिश करके बन सकता है। पर थोड़ा नेता पॉलिटिशियंस वगैरह सबको और पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो इस गाँव के विकास की बात करें, यहाँ पूरे विधायक क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करें। ये बहुत ज़्यादा संख्या में देख रहा हूँ कि राजस्थान गुजरात की गाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जैसे लग रहा है कि 6 जितनी कार है यहाँ से बहुत लोग माइग्रेट है, यानी हर व्यवसाय के लिए बाहर ही जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हाँ यार, पानी की कमी है, ऐसा कोई व्यवसाय, कोई इंडस्ट्रियल ऐसे पार्क नहीं है जहाँ ऐसा व्यवसाय। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? लोकेश खंडेलवाल, सूरत शहर मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष हैं ये सब? आपके वोटर हैं? सभी वोटर है, क्या है, पूरा तो जनता त्रस्त है यहाँ पे। एक कांग्रेस वाले अशोक गहलोत का नाम लेने बेचारे चले गए, इतना ही लोगों ने। सब हिंदू राष्ट्र वाले हैं और सब भगवा वाले हैं। भगवा फेरना चाहिए, क्योंकि यहाँ का निर्दलीय विधायक है, जिस प्रकार सनातन का विरोध किया, सनातन संस्कृति का विरोध किया, जिस प्रकार उसने घूंघट प्रथा का विरोध किया, और जनता में जनता आक्रोशित है, विकास का केवल छलावा है, कोई विकास नहीं है। अभी 10 दिन पहले तक यहाँ इतनी मिट्टी उड़ रही थी, सब आनंद फानंद में बन रहा है जो भी है, लेकिन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई ये सिरोही की जनता जान चुकी है और उसी के आधार पर ये वोट करेगी। सर, इन कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर का मुद्दा उठा, तब इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में 24 वकील खड़े कर दिए थे, तो अब ये क्या चाहते हैं? हिंदुओं के पास में वोट मांगने क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? जब हिंदू काफिर है, हिंदुओं को उल्टा लटका देंगे, हिंदुओं को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो अब हिंदुओं से क्या मांगते हैं? ये तो कह रहे हैं हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तान के अंदर, हमारे अंदर किसी के अंदर दुश्मनी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते रह रहे, हमारे अंदर इन्होंने फूट गिराई है,
तो ये फूट की राजनीति क्यों करते हैं? आप तो कह रहे हैं राम सबके हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं तो इन्होंने तो बोला था, काल्पनिक बताया था कांग्रेसियों ने। सबके कैसे हुए? सबके है तो वकील क्यों खड़े कर दिए? कांग्रेस खाली लोगों को गुमराह कर रही है, जातिवाद फैला रही है, बाकी कुछ नहीं है। जातिवाद का बीज ही उसी ने रोका है, कांग्रेस ने। कांग्रेस ने रोका जातिवाद का बीज, बाकी पहले कोई जातिवाद नहीं था। हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलके रहते थे। तो 500 रुपए वो आने के बाद ही उन्होंने जातिवाद का बीज रोपा है। पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी भरवा देंगे, गेहूँ 5000 रुपए क्विंटल आएगा तो भी हम खाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इन्हीं के राज में 110 रुपए आपके राजस्थान में है, गुजरात में आइए 96 रुपए बीज है, 96 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और 110 रुपए में आप बांट रहे हैं। अशोक गहलोत लोगों को मोबाइल बांट रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर ऐसा ही उसको राजस्थान की जनता का भला करना है तो जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है पेट्रोल पे उसको हटा दे। बाकी आज भी दूसरे राज्यों में पेट्रोल सस्ता है। अशोक गहलोत ने किया क्या है? कुछ नहीं किया। 100 करोड़ आपको बर्बाद कर दिया। 100 करोड़ आपने अजमेर दरगाह में दे दिया, हिंदुओं का राम मंदिर पे क्यों नहीं दिए? बोलिए नहीं चाहिए मोबाइल, मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोबाइल। अगर लोग कह रहे हैं सब महिलाओं को मोबाइल, महिलाएं तो वोट दे देगी, महिलाएं वोट दे देगी अशोक गहलोत को? मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोबाइल को खाएंगे क्या? मोबाइल को क्या करेंगे? अगर आपने इन्होंने इतना 20 करोड़ रुपए कोई करोड़ों रुपए इन्होंने मोबाइल के अंदर बिगाड़ा है, वही करोड़ों रुपए कहीं मेडिकल कॉलेज या कहीं पे हॉस्पिटल सुविधा कुछ भी ऐसा या कोई अच्छी स्कूल या कॉलेज बनाई होती तो आज हमारे बच्चे पढ़ते वहाँ पे अच्छा उपचार मिलता। ये मोबाइल को क्या करेंगे? सही बात है। आज ये मैंने 20,000 का मोबाइल दिया है, अशोक गहलोत को बोलो इसका 20,000 देगा क्या वो? आप सियाणा गांव में आइए, वहाँ के रोड देखिए, रोड का हाल बहुत बुरा है। विकास देखना है, विकास देखिए कांग्रेस का विकास। मेरे गाँव में लाइट तक नहीं, इतना बड़ा गाँव का वोट है। वोट मेरा वोट बीजेपी को है। अच्छा, वोट देने का अधिकार है, 18 साल हो गया है। क्यों बीजेपी? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ, बीजेपी है। क्यों बीजेपी है कि आप ही देखिए कि इतने सालों में मोदी जी ने कितना कुछ किया है देश के लिए, इतना कांग्रेस सरकार कर पाई है क्या? क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने आपके सामने, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी का देश नाम रोशन की दो है ना, माता कतरो कर्ज तो यार वो उतार ही है। इतना मोबाइल सबको दे दिया, सब कह रहे कि मोबाइल दिया हमने, मोबाइल दे दिया। आशा सरिता के एक महीने पहले ही खाद्य सुरक्षा का ये पैकेट बांटने लगे, बांटने थे तो 5 साल पहले बांट देते। अगर विकास करना ही था और लोगों का भला ही करना था तो 5 साल पहले ये योजना लागू करते, एक महीना पहले क्यों किया? आप 5 साल से ये योजना चलाते तब पता चलता ना आप लोगों का भला करना चाहते हो। आपके पास में कुछ विकास नहीं है, थोतला विकास है, थोतला। गेहूं नहीं मिल रही है बीपीएल वाले गरीब लोगों को, ये मोदी सरकार के मिल रहे और ताले नाम बता रहे हैं। अशोक गहलोत वाले थे, भाग लिए वो लगता है। अशोक गहलोत का गेहूं नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी बहरूपिया बहरूपिया वो तो कांग्रेस से कोई लोन नहीं है। सिरोही का है, विकास हुआ है, उसके आधार पे सिरोही की जनता आपकी बात सीएम लोढ़ा को पूरी मजबूती के साथ घर भेज रही है। आप ये लिखित में ले, उसका भरोसा क्या है? वो कभी मुसलमान बन जाता है, कभी हिंदू बन जाता है, वो तो बहरूपिया है। कौन? अशोक यही सैम लोढ़ा 2018 में तो कह रहा था मेरी माँ मर चुकी है, कांग्रेस माँ को मानता था, माँ मानता था पार्टी को। फिर 2018 में रोया क्यों था? फिर बोल रहा था ये तो मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी माँ ने वापिस कांग्रेस के गोद में जाके क्यों बैठा? चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा एक एक पक्ष सामने आया, लेकिन ये जो मोबाइल वाला पक्ष जो बहुत बड़े पैमाने पे था कि अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटा है, महिलाएं कह रही नहीं मोबाइल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल तो सबके पास था, कुछ करना था, अच्छा करना था। मोबाइल एक महीने ही चला था, फिर बंद हो गया। वो तो मोबाइल सबके पास है, क्या करना है? तो ये है राजस्थान का माहौल जो हमने आपको बताने की कोशिश की। बाकी अब आपको तय करना है कि गहलोत के लिए राजस्थान की जनता और महिलाएं क्या कह रही है। अब देखिए ये अशोक गहलोत का थैला लेके अशोक, मगर ये क्या कह रहे हैं?
चक्कर की जगह लून डाल दिया है, ये बांट के क्या फायदा किया, चक्कर के चलते लून डाल दिया, नमक डाल दिया, तो लोगों ने लिया है बाहरी फेंक दिया है, कोई मतलब नहीं है उसका, इसका खाना भी अच्छा नहीं बन रहा है। के नाम पर वो लकड़े का बुरा था डाल के, कलर डाल के क्या हमारे सिरोही में जो विधायक है, हमारे सिरोही के विधायक बोलते हैं कि मैंने 14 डॉक्टर लाए, 13 ने आज तक ज्वाइंट नहीं किया है, ये हॉस्पिटल की हालत है, और बोलते हैं मेडिकल कॉलेज मैंने लाया है, तो आप उद्घाटन करते थे रोडों का यार, चुपके से कुर्सी में क्यों बैठे थे, मोदी जी ने कैसे उद्घाटन कर दिया, जो आपको हर जगह शिला लेख लगाते हो, चाहे एक नलकूप खोदा है आपने 50,000 का, वहाँ भी आपका शिला लेख है, तो फिर आपने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कैसे नहीं किया, मोदी जी ने कैसे कर दिया, जब आपकी मेडिकल सेंटर का विषय सेंटर का ये गुमराह कर रहे हैं, बेरुपये है, कभी कांग्रेस में कभी निर्दलीय, बेरुपया जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। अच्छा। इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला था कि मैं सिरोही में केंद्रीय विद्यालय बनाऊंगा, अब केंद्रीय विद्यालय दिख रहा है यहाँ, ये प्राइवेट स्कूल वाले कितना शोषण कर रहे हैं, इनको तो इनको वोट बैंक की पड़ी है, हिंदुओं को आवाज, असल बात तो माझी ने कहा कि ये नम इसमें चीनी की मतलब शक्कर के बदले नमक दे दिया, इनको हिंदू समाज को जातियों में डिवाइड कर दो, और इनको कुर्सी की पड़ी है, कोई किसी से लेना देना नहीं है, मैं इनको खुला कहता हूँ, इधर इधर घूम के माँ, मोदी का काशी माँ यारो यारो सविता की था, रोहर भी यात्रा यात्रा था, सब सविता की था, रोहर भी हासा की नहीं, हमारे को कोई विकास नहीं चाहिए, हम पहले कच्चे रोड पे चलते थे, आज भी चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी हमारी धरती माँ है, लेकिन हमारे को राम मंदिर जो राम लाए हैं उसको वोट देंगे, जो राम लाए हैं उसको, क्योंकि आगे हमारे को वापस कृष्ण जी का मंदिर भी लाना है, क्यों इसलिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये राजस्थान का माहौल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए अशोक गहलोत इनके लिए किसी काम का नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।